हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी डेस्टिनेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ पार्टनरशिप। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए अब हम समझते हैं पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों की। दो या दो से ज़्यादा लोग इसलिए क्योंकि अगर एक सिंगल पर्सन होगा तो उसके केस में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आ जाता है, ना कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? दो। तो इसलिए पार्टनरशिप एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों की, जिसमें वो एग्री करते हैं कि वो बिजनेस को चलाएंगे जॉइंटली, एक साथ मिलकर। क्यों? क्योंकि उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है और वो सारे प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करेंगे। अब वो प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं इक्वली भी, और हो सकता है वो कुछ रेशियो डिसाइड कर ले कि वो इस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स। तो सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? दो। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? टू। क्योंकि अगर एक सिंगल पर्सन होगा तो उस केस में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? टू। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो हो सकते हैं 100। सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड, यानी कि अगर वो कल को कोई डेट पे नहीं कर पाए तो उनको अपने पर्सनल असेट्स भी बिजनेस के लिए यूज़ करने पड़ेंगे वो डेट को पे करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। हर पार्टनर डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करता है और साथ ही साथ कंट्रोल भी कौन करता है? हर पार्टनर। जैसे कि हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में डिसीजन और कंट्रोल किसके पास होता है? सोल प्रोप्राइटर के पास होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के केस में कर्ता के पास होता है। ऐसे ही पार्टनरशिप में हर पार्टनर के पास राइट होता है डिसीजन लेने का। सारा रिस्क कौन बियर करता है? सारे पार्टनर्स मिलकर रिस्क को बियर करते हैं, यानी कि वो प्रॉफिट को और लॉसेस को शेयर करते हैं एज अ टीम। अब फिफ्थ पॉइंट जो है वो है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर उसका बिजनेस से रिटायरमेंट हो जाता है तो उस केस में बिजनेस क्लोज हो जाएगा, यानी कि बचे हुए पार्टनर्स तभी बिजनेस शुरू कर सकते हैं जब वो एक क्या बना लेंगे? नया एग्रीमेंट। यानी कि अगर किसी भी पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, अगर उसकी डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गई या फिर इंसॉल्वेंसी हो गई तो बिजनेस बंद हो जाएगा और बाकी बचे हुए पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? नया एग्रीमेंट बना सकते हैं बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी थोड़ा सा ट्रिकी है पर ईजी है, कोई बात नहीं। जो म्यूचुअल एजेंसी होता है उसका मतलब होता है कि अगर एक पार्टनर कुछ भी काम करता है तो बाकी के सारे पार्टनर्स भी उससे बाउंड हो जाते हैं, यानी कि अगर एक पार्टनर ने कोई चीज की तो वो माना जाएगा कि बाकी सभी पार्टनर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हर पार्टनर क्या होता है? एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। हम एजेंट क्यों बोलते हैं? मानो अगर किसी और पार्टनर ने कुछ काम किया या कुछ एक्टिविटी की तो उसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँगी, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं क्या हूँ? एजेंट। पर अगर मानो मैंने कुछ काम किया तो बाकी सभी पार्टनर्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो मैं क्या हो जाऊँगी उस केस में? प्रिंसिपल। तो हर पार्टनर एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। अब हम देख लेते हैं पार्टनरशिप के मैरिट। सबसे पहला पॉइंट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप बिजनेस के केस में फॉर्मेशन एंड क्लोजर इजी होता है एज कंपेयर टू कंपनी। इसके केस में कंपल्शन नहीं होता है कि हमें फर्म को रजिस्टर कराना ही कराना है, पर वैसे करा लेना चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वैसे कोई कंपल्सरी नहीं होता है तो इसलिए उसका फॉर्मेशन और क्लोजर दोनों ईजी होता है। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन होता है ना वो सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में, डेट इज़ LLP के केस में ही ज़रूरी होता है।
अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं होता है, तो इसलिए फॉर्मेशन और क्लोजर क्या होता है, ईजी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बैलेंस डिसीजन मेकिंग किस लिए, क्योंकि हर पार्टनर अलग अलग काम देखता है। जैसे कि एक पार्टनर ने परचेजिंग का काम देख लिया, दूसरे पार्टनर ने सेल डिपार्टमेंट देख लिया, थर्ड पार्टनर ने फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट देख लिया, तो वो जिस जिस चीज में एक्सपर्ट है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फंक्शन को चूज कर लेते हैं, उस डिपार्टमेंट को चूज कर लेते हैं। तो जब एक एक्सपर्ट बंदा एक्सपर्ट फंक्शन को कंट्रोल करेगा तो उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। तो इसलिए पार्टनरशिप के केस में डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, बैलेंस्ड। थर्ड इज मोर फंड्स। जो फंड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, किस लिए, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। अब जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो वो कैपिटल भी तो लेकर आएंगे बिजनेस में, तो इसलिए नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं और वो कैपिटल भी लेकर आते हैं, तो फंड्स क्या हो जाते हैं हमारे पास, ज़्यादा। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, शेयरिंग ऑफ रिस्क। देखो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि रिस्क जो है वो शेयर हो जाते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक ही पर्सन को सारा रिस्क उठाना पड़ता है, और पार्टनरशिप के केस में रिस्क डिवाइड हो जाता है। अब एक अकेले बंदे के ऊपर सारा रिस्क और एक जगह रिस्क डिवाइड हो रहा है, तो ज़्यादा अच्छा क्या है जब रिस्क डिवाइड हो रहा है, उसकी वजह से बर्डन टेंशन कम हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, शेयरिंग ऑफ रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्रेसी। अब ये पॉइंट समझिए, जैसे एक कंपनी होती है उसको हर साल ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि अपनी बैलेंस शीट, P&L, अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ती है। जैसे कि कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, वो न्यूज़पेपर्स में भी आती है, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में, और वो लोग अपनी मैगजीन्स में निकालते हैं, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग भी होती है, उनकी वेबसाइट पे भी होती हैं वो सब चीज़ें। तो यानी कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने अकाउंट्स को पब्लिश करते हैं अपने कस्टमर्स को, और जो पब्लिक है उनको पता होता है कि उनकी फाइनेंशियल पोजिशन कैसी चल रही है। पर एक पार्टनरशिप फर्म को ऐसा सब करना ज़रूरी नहीं है, उसको अपने ना ही तो अकाउंट्स पब्लिक को दिखाने की ज़रूरत है, ना ही उनको कोई रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेस की वो क्या रहती है, सीक्रेट रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहती है, सिर्फ पार्टनर्स को ही बताते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं पार्टनरशिप के लिमिटेशंस। सबसे पहला पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड, यानी कि अगर कल को हमारे बिजनेस असेट्स कम पड़ जाते हैं डेट को पे करने के लिए, तो उस केस में पार्टनर्स को अपने पर्सनल रिसोर्सेज भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, तो इसलिए पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। सेकेंड पॉइंट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 100। तो यानी कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन यानी कि जो पार्टनर्स पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, लिमिटेड। तो इसलिए पार्टनरशिप के केसेस में कैसे रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब एक चीज़ बताइए, पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि नंबर ऑफ ओपिनियंस यानी कि जो लोगों की राय है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अलग अलग राय की वजह से उनके बीच में क्या हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स, उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एक पार्टनरशिप बिजनेस में लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है, वो इसलिए क्योंकि अगर सपोज किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट, तो बाकी के बचे हुए पार्टनर्स को एक नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, और जो पहले बिजनेस चल रहा था वो क्या हो जाएगा, क्लोज। तो नया बिजनेस जैसे ही स्टार्ट होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नया एग्रीमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी कि पब्लिक का विश्वास। पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो ना ही तो अपने अकाउंट्स पब्लिश करता, ना ही अपनी रिपोर्ट्स, यानी कि ना ही वो अपनी बैलेंस शीट, ना ही वो अपना P&L, ना ही वो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिक को दिखाता है। तो जब पब्लिक को पता ही नहीं कि ट्रू पिक्चर क्या है बिजनेस की, तो उनका जो फेथ होगा, उनका जो विश्वास होगा उस बिजनेस में, वो क्या हो जाएगा, कम। तो इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस क्या होता है पार्टनरशिप बिजनेस में, बहुत कम होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माई वर्क देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।